गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स ऑफ सिक्स स्टैंडर्ड. यस्टरडे वी स्टार्टेड योर रीडर सिलेबस. वी रेड चैप्टर फर्स्ट मीटिंग सीजन रिटन बाय सर माइकल मोरपुर्गो. इन दिस चैप्टर वी रेड अबाउट यानिक. यानिक इज अ 10-year-old बॉय, जो एक 10 years का लड़का है. हु लिव्ड विद हिज अंकल आंट एंड कजन, जो अपने अंकल आंट और कजन सिस्टर के साथ रहता है साउथ ईस्टर्न फ्रांस में. ब्रूनो जो है वो इज अ ओनर ऑफ एन इन, एक इन का यानी एक रेस्टोरेंट के ओनर हैं ब्रूनो. देर इज अ वन डे देर इज अ वेरी एक्साइटमेंट इन इन, तो एक दिन इन में बड़ी ही एक्साइटमेंट थी. बिकॉज देयर बेस्ट कस्टमर कम्स विजिटिंग, क्योंकि उनका जो बेस्ट कस्टमर था वो उस दिन विजिटिंग के लिए वहाँ आ रहा था. और जो ये बेस्ट कस्टमर था ये कौन था, ये वर्ल्ड फेमस पेंटर था. ही डज अ ड्रॉइंग, वो क्या करता है, एक ड्राइंग करता है ऑन टेबल क्लॉथ एज अ टिप्स फॉर ब्रूनो, ब्रूनो के लिए एज अ टिप्स वहाँ उसको क्लॉथ को ड्राइंग करके रखता है. बट यानिक थ्रो इट इनटू फायर, लेकिन यानिक उसको आग में डाल देता है. और अमेंडन ब्लेम्स यानिक, अमेंडन जो है ये ब्लेम डालती है यानिक पर. शी शाउटेड ऑन हिम, और वो उस पर चिल्लाती है. यहाँ तक हमने कल रीड किया था, नेक्स्ट वी विल रीड टूडे. लेट्स स्टार्ट. Next, everyone in the restaurant stopped eating and went silent. Everyone, प्रत्येक जो रेस्टोरेंट में वहाँ थे, stopped eating, सबने खाना बंद कर दिया, and went silent, और चुपचाप चले गए. Then, तभी अंकल ब्रूनो came, तभी अंकल ब्रूनो आए, striding towards us, वो लंबे उनकी तरफ ही आए. Unlike his jolly self, what is it? उन्होंने अपने बिहेव के अकॉर्डिंग आते ही पूछा, व्हाट इज इट, क्या है ये. ही आस्क्ड अमेंडन, उन्होंने अमेंडन से पूछा. इट वॉज यानिक पापा, शी क्राइड, वो चिल्लाई, उसने कहा ये यानिक है पापा. ही थ्रू इट इन टू द फायर द टेबल क्लॉथ द ड्रॉइंग, इसने आग में डाल दिया टेबल क्लॉथ को, जो उस टेबल क्लॉथ पर ड्रॉइंग थी उसको आग में थ्रू फेंक दिया. डिड यू टेल हिम अबाउट इट अमेंडन, अंकल ब्रूनो आस्क्ड. अब अंकल ब्रूनो ने पूछा अमेंडन से, डिड यू टेल हिम अबाउट इट, क्या तुमने इसे इसके बारे में बताया, क्या तुमने टेबल क्लॉथ की पेंटिंग के बारे में बताया. डिड यानिक नो दैट ही स्केचेज समथिंग ऑन द टेबल क्लॉथ एंड लीव्स इट बिहाइंड फॉर अस. डिड, क्या यानिक नो जानता था दैट की ही स्केचेज, कि उसने कुछ से उस पर स्केच करता है वो समथिंग टेबल क्लॉथ पर, एंड लिव्स इट बिहाइंड फॉर अस, और वो हमारे लिए छोड़ जाता है, क्या इसके बारे में यानिक को कुछ पता था. अमेंडन लुक्ड एट मी हर चीक्स वेट विद टीयर्स, यानिक कहता है अमेंडन ने मेरी तरफ देखा, उसके चीक्स चीक्स होते हैं गाल वेट गिल्ले थे विद टीयर्स आंसुओं से. आई थॉट, मुझे लगा, शी वॉज गोइंग टू लाइक, कि वो झूठ बोलने जा रही थी. बट शी डिडंट, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया. नो पापा, शी सैड लवरिंग हर हैड, उसने अपना सिर नीचे करके, अमेंडन ने अपना सिर नीचे करके कहा, नहीं पापा. देन यू शुडंट ब्लेम हिम, तो यहाँ पर उसके अंकल ब्रूनो ने कहा, देन यू शुडंट ब्लेम हिम, तो तुम्हें उसको ब्लेम नहीं करना चाहिए. ब्लेम होता है दोषी ठहराना. शुड यू, क्या तुम्हें करना चाहिए. फॉर समथिंग दैट वॉज योर फॉल्ट, उस चीज़ के लिए जो तुम्हारी गलती है. फॉल्ट होता है गलती, यानी कि तुम्हें उसे पहले बता देना चाहिए था. से सॉरी टू यानिक नाउ, और अब तुम सॉरी बोलो यानिक को. शी मम्बल्ड इट बट डिडंट रेज हर आइज, उसने धीरे से बोला लेकिन उसने अपनी आँखें ऊपर नहीं उठाई. अंकल ब्रूनो पुट हिज आर्म अराउंड मी, ये कौन डिस्क्राइब कर रहा है, यानिक. यानिक ने कहा कि अंकल ब्रूनो ने अपनी बाहें जो है मेरी पुट अराउंड मी, मेरे तरफ फैलाई, मेरे ऊपर जो है चार उसने अपनी बाहों में लिया. नेवर माइंड यानिक, ही सैड, उन्होंने कहा कोई बात नहीं यानिक. ही सैड ही पर्टिकुलरली लाइक्ड हिज क्रीम ब्रूली, तो उसने कहा कि वो जो है पर्टिकुलरली उनकी जो क्रीम ब्रूली है, जो डिजर्ट है, वो उसको पसंद करता ही है. यू मेड इट, ये तुमने बनाई थी, डिडेंट यू, नहीं बनाई थी. सो द ड्रॉइंग वॉज फॉर यू, इसलिए ये ड्रॉइंग तुम्हारे लिए थी. रियली, सच में. ऑलवेज लुक ऑन द ब्राइट साइड, हमेशा क्या है, ब्राइट साइड की तरफ देखो. यहाँ पर लुक ऑन द ब्राइट साइड मीन्स है
लुक फॉर गुड थिंग्स इन अ बैड सिचुएशन, हमेशा अगर कुछ बुरा भी हो, बुरी स्थिति में भी हमें क्या है, अच्छी चीज़ों को यानी पॉजिटिविटी रखनी चाहिए, अच्छी चीज़ों को ही देखना चाहिए, उसके बारे में अच्छा सोचना चाहिए। फॉर अ मोमेंट, कुछ क्षण के लिए, यू हैल्ड अ ड्रॉइंग दैट वॉज मेड फॉर यू बाय द ग्रेटेस्ट पेंटर इन द वर्ल्ड, कुछ क्षण के लिए तुमने वो ड्राइंग जो है अपने हाथों में ली थी जो तुम्हारे लिए बनाई थी वर्ल्ड के महान पेंटर ने। दैट्स समथिंग यू विल नेवर फॉरगेट, ये ऐसा कुछ है जो तुम कभी मत नहीं भूलोगे। लेटर ऑन, बाद में, एज आई केम आउट ऑफ द बाथरूम, यानी कि यहाँ कह रहा है कि बाद में, एज आई केम आउट ऑफ द बाथरूम, जब मैं बाथरूम से बाहर आया, आई हर्ड, मैंने सुना, अमेंडिन क्राइंग इन हर रूम, अमेंडिन अपने रूम में रो रही थी। आई हेटेड टू हियर हर क्राई, मुझे उसके रोने से नफरत है, मुझे अच्छा नहीं लगता वो रोती है। सो आई नॉकड ऑन द डोर, इसलिए मैंने दरवाज़ा खटखटाया, एंड वेंट इन, और अंदर चला गया। आई एम सॉरी आई सेड, तो यानी कहता है मैं अंदर गया, अमेंडिन रो रही थी तो मैंने उसको कहा आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना, आई सेड, मैंने कहा, आई डिडंट मीन टू अपसेट यू, मेरा तुम्हें उदास करने का कोई मेरी इंटेंशन नहीं थी, मेरा कोई मकसद नहीं था। शी हैड स्टॉप्ड क्राइंग बाय नाउ, और अब उसने रोना बंद कर दिया। इट वॉजंट योर फॉल्ट यानिक, शी सेड स्टिल स्निफिंग अ बिट, यहाँ पर अमेंडन जो है वो अमेंडन ने कहा, स्टिल स्निफिंग, जो स्निफिंग होता है सूं सूं की आवाज़ करना, थोड़ा उसने ऐसी आवाज़ की और कहा, इट वॉजंट योर फॉल्ट, ये तुम्हारी गलती नहीं है यानिक, इट्स जस्ट दैट आई हेट इट, ये बस ये था जिसे मैं हेट करती हूँ, नफरत करती हूँ, इट वैन पापाज क्रॉस विद मी, क्रॉस मीन्स होता है एंगर, जब पापा मुझ पर गुस्सा करते हैं तो मैं इस बात से नफरत करती हूँ, मीन्स वो नहीं चाहती कि वो कोई ऐसा काम करे जिससे उसके पापा उस पर गुस्सा हों। ही हार्डली एवर इज, वो ऐसा बहुत बड़ी रेयरली ऐसा करते हैं, कभी कभी गुस्सा होते हैं, ओनली वैन, केवल तब, I have done something really bad, जब मैं सच में कुछ बुरा कर देती हूँ। I shouldn't have blamed you, मुझे तुम्हें blame नहीं करना चाहिए था। I am sorry, मुझे माफ़ करना। तो ये कौन कह रही है? Amandine, किसे? यानिक से। Then she smiled at me, तो यानिक ने कहा, उसके बाद उसने मेरी तरह थोड़ी स्माइल की। आई ले मतलब लेटा रहा, अवेक जागते हुए, ऑल नाइट, मैं पूरी रात जो है जागते हुए लेटा रहा। माई माइंड रेसिंग, मेरा दिमाग जो है वो चलता रहा। सम हाउ, किसी भी तरीके से, आई वॉज गोइंग टू मेक इट ऑल राइट अगेन, मैं ये सब कुछ ठीक करने जा रहा था कि मैं इसको सब कुछ ठीक कर दूंगा। एंड मेक अमेंडन हैप्पी, और मैंने अमेंडन को हैप्पी करना था, खुश करना था, सून, जल्दी ही। आई हैड वर्कड आउट एग्जैक्टली, मुझे बिल्कुल वही वर्क करने का टाइम करना पड़ा। What and how to do it, और ये what क्या था और कैसे करना था। Even what I was going to say, और मैं क्या कहने जा रहा था। When the time came, वो समय आ गया था, यानी at the right time काम करने का वो सही समय आ गया था। Next morning, अगली सुबह, I didn't go for my walk in the hills, अगली सुबह मैं अपनी, यानी कह रहा है, यानी डिस्क्राइब कर रहा है कि नेक्स्ट मॉर्निंग को मैं अपने मॉर्निंग वॉक के लिए पहाड़ी पर नहीं गया। बट मेड माई वे डाउन थ्रू द विलेज, लेकिन वो कौन से रास्ते गया, जो डाउन नीचे की तरफ जा रहा था विलेज में, टूवार्ड्स द चैट्यू। चैट्यू क्या था यहाँ? फ्रेंच कासल, किले की तरफ, जहाँ पर वो ग्रेट पेंटर रहता था। आई वेटेड टिल देयर वॉज नो वन अबाउट, तो वो कहता है मैंने इंतजार किया वहाँ तक, वहाँ कोई नहीं था। आई क्लाइम्ड द गेट्स इजिली इनफ, तो वो गेट के ऊपर चढ़ गया, कहता है मैं आराम से उसके इनफ आराम से चढ़ गया। एंड देन रन डाउन थ्रू द ट्रीज, और फिर पेड़ों के बीच से वो गया। देयर वहाँ, सराउंडेड बाय द वास्ट होता है बहुत बड़ा, वास्ट एंड थ्रेटनिंग फॉरेस्ट ऑन ऑल साइड्स, और उसकी सभी साइड में क्या था, एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट था जो थोड़ा ज़्यादा बड़ा भी था और थ्रेटनिंग डराने वाला भी था। वॉज द ओल्ड मैन विद वेरी लिटल हेयर, और वहाँ पर क्या था, बूढ़ा आदमी, थोड़े अपने बालों वाला, यानी वही आदमी जिसके सिर पर कम बाल थे, लिटिल हेयर, हु हैड कम टू द इन, और वहाँ पर वो आदमी था जो इन में आया था, आ चुका था।
ही वॉज सिटिंग अलोन ऑन द स्टेप्स, वो जो है वहाँ बैठा हुआ था अलोन अकेला स्टेप्स पर इन द सनशाइन धूप में, एंड स्केचिंग, और स्केचिंग कर रहा था, मीन्स कुछ बना रहा था, पेंटिंग कर रहा था अपनी। I approached as silently, तो यानी कहता है I approached, मैं जो वहाँ तक गया उसके पास अप्रोच पहुँचा, as silently, बिल्कुल चुपचाप, as I could, इतना जो वो बिना कि वो डिस्टर्ब ही ना हो आराम से वहाँ गया बिल्कुल चुपचाप, but somehow, परंतु फिर भी कैसे, I must have disturbed him, लेकिन पता नहीं कैसे फिर भी मैंने उसको क्या किया, डिस्टर्ब कर दिया। He looked up, उन्होंने ऊपर देखा, shading his eyes against the sun, जैसे ही उन्होंने ऊपर देखा तो सामने सन था, तो जैसे जब हम सूरज की तरफ देखते हैं तो क्या करते हैं, अपने हाथ आँखों के ऊपर कर लेते हैं शेड सी, जिससे क्या होता है आँखें खुल जाते हैं, तो उन्होंने ऐसे ही किया देखने के लिए। हेलो यंग मैन, ही सैड, उन्होंने कहा, हेलो यंग मैन, नाउ दैट आई वॉज दिस क्लोज टू हिम, और अब क्या था, मैं उनके बिल्कुल पास था, आई कुड सी ही वॉज इंडीड वेरी ओल्ड, कहता है कि मैं ये देख सकता था कि वो बहुत ज़्यादा ओल्ड थे, बट परंतु हिज आइज वर यंग, बट उनकी आंखें जो है वो यंग, जवान थी, ब्राइट, चमकदार थी, एंड सर्चिंग, और कुछ खोज रही थी। क्लियर? नेक्स्ट है, aren't you Monsieur Cezanne, द फेमस पेंटर, आई आस्ट, Monsieur मीन्स होता है यहाँ पर टाइटल वर्ड, एक जो टाइटल दे देते हैं, तो उन्होंने पूछा क्या आप Monsieur Cezanne हो, जो फेमस पेंटर है, आई आस्क, मैंने पूछा। ही सीम्ड अ लिटल पजल्ड, पजल्ड होता है कन्फ्यूज्ड, तो ऐसा लगे कि वो कुछ कन्फ्यूज हुए थोड़े से, सो आई वेंट ऑन, और कहता है कि मैं कहता चला गया, बोलता रहा, माई मदर सेज यू आर द ग्रेटेस्ट पेंटर इन द वर्ल्ड, और यानिक ने एक पेंटर से कहा कि क्या आप जो है Monsieur टाइटल वर्ड, जो Cezanne हो, फेमस पेंटर हो, वो जो पेंटर, वो थोड़ा कन्फ्यूज सा लगा, बट वो कहता गया, उसने कहा मेरी मदर कहती है यू आर द ग्रेटेस्ट पेंटर इन द वर्ल्ड, कि आप इस वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट महान पेंटर हो। ही स्माइल्ड एंड देन लाफ्ड, उन्होंने मेरी तरफ स्माइल की, स्माइल हल्की सी, एंड लाफ्ड, और हंसे। आई थिंक योर मदर्स प्रोबेबली राइट, ही सैड, उन्होंने कहा मुझे लगता है कि तुम्हारी मदर जो है प्रोबेबली राइट, बिल्कुल ठीक है। यू क्लियरली हैव अ वाइज मदर, तुम्हारे पास क्या है, एक वाइज मदर, इंटेलिजेंट मदर है, बट वाई डिड शी लेट अ यंग लैड, लैड मीन्स होता है बॉय, लड़का, बट वाई, परंतु क्यों, डिड शी लेट अ यंग लैड लाइक यू कम वंडरिंग हियर ऑन हिज ऑन, लेकिन क्यों उन्होंने छोड़ दिया, आने दिया एक यंग लड़के को, जैसे तुम ऐसे वॉन्डरिंग कर रहे हो अपने आप यहाँ, पता नहीं क्यों उन्होंने तुम्हें यहाँ आने दिया ऐसे घूमने के लिए। क्लियर? ओके, आज हम यहाँ तक ही रीड करेंगे, नेक्स्ट वर्क जो है हम नेक्स्ट वर्किंग डे को करेंगे, आपका ये कंप्लीट चैप्टर रीड हो जाएगा। तो टुडे इज़ योर होमवर्क, इज़ आपको ये चैप्टर प्रॉपरली रीड करना है, कंप्लीट रीड करना है, और जो भी आपको इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड आपको लगते हैं, स्पेलिंग लगती है, आपको उनको अंडरलाइन कर लेना है और उनको अच्छे से लर्न कर लेना है। क्लियर? ओके।